हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2019 को आए हुए आज चौथा दिन हो गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रिजल्ट तो आ गया। बहुत से कैंडिडेट का मन हो रहा है कि उनके मार्क्स उनको पता चल जाए आखिरकार मिले कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ना तो आपको आपके मार्क्स पता चल पा रहे हैं और ना ही पता चल पा रहा है कि आखिरकार कट ऑफ गया है तो कितना। इससे मन में संशय पैदा होता है और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ घपला हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने भी बताया था और आपको अदर और भी पर्सन एडवाइस कर सकते हैं कि आप RTI लगाइए। जी हाँ दोस्तों, RTI एक ऐसा माध्यम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके द्वारा आप अपने मार्क्स बिल्कुल देख सकते हैं कि आखिरकार आपको कितने मिले हैं आपके रिटर्न एग्जाम में। एंड इसके साथ साथ आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, किस कारण से आपका सिलेक्शन रुक गया है, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों हुआ वही, बहुत से कैंडिडेट ने मेरे से RTI लगवाई थी और मैंने उनकी RTI लगाई भी है। तो दोस्तों आखिरकार उनके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या क्या है उनके नाम मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर मैंने अभी लिमिटेड नाम लिए हैं, चूंकि अभी आधे से ज्यादा की RTI लगी है और आधे से ज्यादा कैंडिडेट है अभी लगाना बाकी है। क्योंकि दोस्तों RTI में बहुत टाइम लगता है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से भरना पड़ता है ताकि आपकी जो RTI है वो रिजेक्ट ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और कुछ कुछ कैंडिडेट ने तो कहीं पर प्रखंड भरना है जहां पर उनके शहर का नाम भर दिया, कुछ कुछ कर दिया, तो ऐसी मिस्टेक्स सामने आई हैं जिसमें मैंने कैंडिडेट को खुद डायरेक्टली कॉल करके, चूंकि मेरे पास आपका मोबाइल नंबर रिसीव हो जाता है, उनसे बाकायदा हर एक चीज पूछी, डिटेल्स पूछी और अच्छे से सावधानी पूर्वक उनकी RTI को फिल किया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, चूंकि RTI लगाते वक्त आपका एक्सिस बैंक का वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड ही होना चाहिए, वही वहां पर मान्य है, अदर कोई कार्ड वहां पर मान्य ही नहीं है। और दोस्तों आप बिलीव रखिए, इन बैंकों का खाता बहुत कम पर्सन का होता है, कहने का मतलब 1-2% ही प्राइवेट बैंक में खाता रखते हैं। चूंकि दोस्तों इनका मिनिमम डिपॉजिट रहता है 10,000, 6,000, जी हाँ दोस्तों 6,000, 10,000 से इनके यहाँ पर खाता खुलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा तो था नहीं, बट मैंने आप लोगों की RTI की जवाबदारी ले ली थी, तो दोस्तों आज मेरे को जाके 6,000 रुपए देकर अपना खाता खुलवाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपकी RTI के कारण। तो दोस्तों मेरा घाटा तो ठीक है, बट आपकी हेल्प हो रही है, मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ नाम बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के आखिरकार कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कैसे आप लोगों की ईमेल आईडी, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, हर एक चीज। ओके, बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ और आपको सेकंड लिस्ट और लाऊंगा और भी कैंडिडेट के नाम बताऊंगा। और एक बात, जो कैंडिडेट फीस कट गई है जिनकी, जिनको अभी लिंक प्राप्त नहीं हो पा रही, हालांकि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसको लिंक प्राप्त नहीं होती, वो लिंक उसको प्राप्त नहीं होती जिसको नॉलेज नहीं होता कि इस लिंक पर कैसे क्लिक करना है, इसको कैसे डाउनलोड करना है। नहीं तो यहाँ पर 99% कैंडिडेट की डिटेल्स मेरे पास आ जाती है, 1-2% स्टूडेंट रहते हैं जिनको लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाती उन्हीं की मिस्टेक की वजह से। तो दोस्तों उनके लिए एडवाइज है कि आप अपने मोबाइल के डाउनलोड वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर वो लिंक आपके ही मोबाइल में आ गई होगी, आप वहां पे जाके ओपन करें, उस लिंक पर क्लिक करें, आप अपना डाटा पूरा का पूरा हमारे पास सबमिट कर दें। चूंकि दोस्तों RTI बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर बताता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा यदि आपका नाम मैच हो रहा है। और आपका नाम मैच नहीं हो रहा तो नेक्स्ट अगली जो वीडियो आएगी, अगली लिस्ट जो आएगी, उसमें मैं आपकी नाम बोल दूंगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यदि आपकी RTI बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक से मैसेज आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेमेंट प्रोसेस इज कंप्लीट सक्सेसफुली। देन इसके बाद आप लोगों का यहां पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाता है, कस्टमर नेम, जैसा कि यहां पर रमेश सिंह जी का है। इसके बाद यहां पर बैंक रेफरेंस, जो हमारी डिटेल्स है, यहां पर पेमेंट नंबर। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रमेश जी का, देखते हैं कैसा क्या रहा इनका जो RTI लगाया है वो। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन नंबर दे दिया है, यदि रमेश जी अभी देख रहे हैं तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हालांकि आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं है, आपके अब तो आपके और RTI मतलब दोनों के बीच में जो कुछ होगा, हमारी जवाबदारी जो थी वो कर दी, मतलब कि आपका RTI फेल हो गया है,
जो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कुछ वहां से रिप्लाई आएगा, आपकी आईडी पर आएगा, आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, मेरे पास अब कुछ नहीं आएगा। ओके, आपकी ईमेल आईडी डाली है तो आपकी ईमेल आईडी पर हर एक चीज आएगी, बाकायदा रिप्लाई आएगा, जो कुछ भी आएगा सब आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जे है, आप देख सकते हैं BR20205411 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट रमेश सिंह। यहाँ पर एड्रेस जे है आपका रोहितास ब्लॉक देहरी पंचायत, और जे जे सारी इन्फॉर्मेशन है। अब पूछा क्या है, तो दोस्तों पूछने के लिए यहाँ पर दो चीजें पूछी हैं। पहली, तो क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका कारण। दूसरी, आपके मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं आपके लिखित एग्जाम में। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने पूछा है, सर टेल मी हाउ मनी नंबर्स वर यहाँ पे रिसीव्ड इन माय रिटन एग्जाम, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ पे बाय आज वर नॉट सिलेक्टेड इन बिहार पुलिस एग्जाम 2019। हेयर इज माई इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मुझसे संबंधित जानकारी ये है। रोल नंबर है आपका क्या, जे, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जे। यहाँ पर आपका जो सत्य, मतलब कि आपने घोषणा की है कि यहाँ पर जो जो आपका रोल नंबर है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है, यहाँ पर उसी से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर कॉर्नर पे आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ईमेल आईडी है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका एड्रेस है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिर्फ ओनली और ओनली एप्लीकेशन नंबर दिखाएंगे और नाम बोलते जाएंगे, आप चाहें तो नोट कर लेना यदि आपका मैच हो रहा है। हालांकि मैं अभी ज्यादा नहीं बोलने वाला, ओनली यहां पर 10 ही सिलेक्ट किए हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आएगी, उसमें हम फिर से आपके नाम बोलेंगे, तब आप लिख लीजिएगा। दोस्तों सेकंड नंबर पे नाम आता है किसका, यहाँ पर नाम आता है भीम कुमार जी का। जी हाँ दोस्तों, भीम कुमार जी का जो एड्रेस है और जो है इनका एप्लीकेशन नंबर BR20205411 8 ये है इनका एप्लीकेशन नंबर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला नाम निकल के आता है दीपक कुमार यहाँ पर मांझी जी का। दीपक कुमार मांझी जी का यहाँ पर एड्रेस दिया है और यहाँ पर इनका जे क्या है, एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आप मांझी जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं चाहें तो, हालांकि अब आपकी ईमेल पर ही हर एक चीज आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नाम निकल के आता है किसका। जी हाँ दोस्तों, अनिमेश कुमार जी का। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं जे है और यहाँ पर इनकी आईटीआई फिल हो गई है, अब आपके ही ईमेल आईडी पर हर एक रिस्पांस आपको प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला नाम निकल के आता है किसका, यहाँ पर रमेश सिंह जी का। रमेश सिंह जी का दोस्तों एप्लीकेशन नंबर जे है, आप रमेश सिंह जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर सकते हैं, हालांकि आपको भी ईमेल प्राप्त हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला है नाम निकल के आता है यहाँ पर किसका। अब दोस्तों आप अगला एप्लीकेशन देख सकते हैं क्या है, अपना नेक्स्ट है सतीश कुमार यादव। क्या नाम है इनका देखता हूँ, रुको, ठीक है जी। ये फिर आता है नेक्स्ट क्या, मुक्ति नारायण दास। जी हाँ दोस्तों, अगला एप्लीकेशन नंबर उन्हीं का, हालांकि आपके ईमेल आईडी पर हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी और पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर किसका नाम है, यहाँ पर नाम है अभिषेक कुमार राय का, मनीष कुमार राय है दोस्तों, अभिषेक राय है, मनीष कुमार राय है। इसके बाद आता है नंबर मनीष कुमार राय का, जे है मनीष कुमार राय, फिर है अभिषेक राय। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जे है अभिषेक आपका मनीष कुमार राय और जे है अभिषेक कुमार। ओके चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला नाम निकल के आता है दोस्तों इसी प्रकार से आपके यहाँ पर मनीष कुमार राय का हुआ है, अभिषेक कुमार का हुआ है, आपके धीरज राज का हुआ है और पिंटू पांडित का हुआ है। इतने नाम मैं अभी बताने वाला हूँ, फिर आपको नेक्स्ट लिस्ट में फिर से नाम बताऊंगा कि इतने कैंडिडेट का हो गया। और आई थिंक आपके पास ईमेल आईडी पर आप रिप्लाई आएगा, आप वेट करिए, अब रिप्लाई कब आएगा सर, तो जैसे कि इन्होंने मेरे से बोला है कि करीबन करीबन यहाँ पर 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चूंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो इसलिए थोड़े आपके जो कार है थोड़े स्लो चल रहे हैं। ओके, डिपार्टमेंट मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की तैनाती थोड़ी कम स्तर पे है, फिर भी लेकिन जल्द से जल्द आ ही जाएगा, एक महीने के अंदर अंदर आप लोग वेट करें, हो सकता है 5 दिन में भी आ जाए, कुछ फिक्स नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, कुछ फिक्स नहीं रहता, कभी 5 दिन में भी आ जाए, 10 में भी ना आए, 15 में आ जाए, ओके, कभी महीने भी लग जाए, ऐसा है आईटीआई का काम। तो फ्रेंड्स, आपने आईटीआई लगाई है, आपको रिप्लाई जरूर आएगा, अभी नहीं तो थोड़े टाइम से आएगा, आपको बाकायदा नंबर भी पता चलेंगे आपके और किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, और उन सभी से बोलना चाहूंगा क्या,
कि जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है और अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की है उनको लिंक नहीं मिल पा रही है या फिर ओपन नहीं हो पा रही, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। चूंकि आपने पेमेंट की है तो मेरे पास आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। जैसे ही आप लोगों का आईटीआई मैं अभी फिल करूंगा तो आपसे बाकायदा कॉन्टेक्ट करके आपकी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, आप टेंशन ना लें। ओके, ये नहीं बोले कि सर मेरी पेमेंट हो गई है और मेरा आईटीआई फिल नहीं हो पा रहा है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन भरने के लिए लिंक नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी आईटीआई लगाना चाहते हैं जो देख रहा है नया, तो वो लगा सकता है। क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर एक लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक लिंक प्राप्त होगी, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकायदा बताया हुआ है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देना, मैं आपकी आईटीआई लगा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।